स्थलों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने 1 जनवरी 2011 के बाद पब्लिक रोड या रास्तों पर अतिक्रमण कर बने मंदिर, मस्जिद और दूसरे कोई भी धार्मिक स्थल तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जनवरी 2011 के पहले के राजमार्ग, सड़क पर खड़े अवैध धार्मिक या दूसरे कोई निर्माण अगले 6 महीने में दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएं। सड़कों पर अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थल हटाने का निर्देश, 2011 के बाद बने धार्मिक स्थल हटाने का निर्देश, धार्मिक स्थलों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, 6 महीने में दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने मुख्य सचिव को सख्त निर्देश दिए। कोर्ट ने मुख्य सचिव को सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों को सर्कुलर जारी कर सड़क से यातायात में अवरोध उत्पन्न करने वाले सभी निर्माणों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि इस आदेश को न मानने वाले अधिकारी आपराधिक अवमानना के दोषी होंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हर जिले के डीएम को भी आदेश दिया है कि वो 2 माह के अंदर अतिक्रमण पर कार्रवाई करे और इस कार्रवाई की सूचना विभाग को सौंपे, ताकि मुख्य सचिव हाई कोर्ट में इसकी रिपोर्ट दे। और इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को है और 28 मई को ही मुख्य सचिव से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अब भगवान और अल्लाह गली किनारे, चौबारों और सड़क के किनारे नहीं रहेंगे, ये कहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2011 के बाद सार्वजनिक स्थलों पर बने धार्मिक मस्जिदों को हटाने का यूपी सरकार को आदेश दिया है। वेस्ट यूपी में ऐसे सैकड़ों धार्मिक स्थल हैं। हाईकोर्ट के आदेश का मकसद गांव, कस्बों और शहरों में बढ़ रहे जाम पर लगाम लगाना और विकास की रफ्तार को तेज करना। मेरठ में इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। कहते बहुत ज्यादा आएंगे, सबके लिए प्रशासन कहाँ जगह देगा, क्या देगा, ये व्यवस्था तो प्रशासन को और शासन को ही बनानी पड़ेगी ना। धर्म का विषय है। अगर कोई हाई कोर्ट की रूलिंग आई है उसका हमें पालन तो करना ही करना पड़ेगा, परंतु उसकी जगह तो प्रशासन को ही देनी होगी और शासन को देनी होगी, उसकी जगह प्रशासन को ही पकड़नी होगी। धार्मिक किताबें और वेदों में भी लिखा है कि परमात्मा की इबादत ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर शांति हो, एकांत हो। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन धार्मिक स्थलों का हटना तो तय है, लेकिन इसके लिए पुलिस और प्रशासन को कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। वही इलाहाबाद हाईकोर्ट के राजमार्ग, सड़क और दूसरे रास्तों पर अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थलों को हटाने के आदेश के बाद धर्मनगरी के दोनों समुदाय की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। जहां एक तरफ लोगों ने कोर्ट के इस फैसले को गलत बताया है, तो वहीं इस बात को भी माना है कि सड़कों पर अतिक्रमण करना ठीक नहीं है और कहा चाहे तो मंदिर हो या मस्जिद, अवैध कब्जा बना है तो गलत है और हटाना चाहिए। यदि जनता के लिए किसी प्रकार की असुविधा उससे है तो उसको तत्काल हटा देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये स्वागत योग्य है और सभी को चाहिए कि ऐसे जगह जो सार्वजनिक न होकर के सरकारी जमीन हो और जहां लोगों को असुविधा देती हो, ऐसे जगह न मंदिर बनावें, न मस्जिद बनावें, न गुरुद्वारा बनावें, न गिरजाघर बनावें, ये सारे के सारे ऐसे जगह बनावें जहां सबको सुविधा हो, किसी को असुविधा न हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हो रहा है उसका हम स्वागत और सम्मान करते हैं। रोड पर आज से ज़माने से मस्जिदें अगर बनी हैं और ये मंदिर हैं, मेरे ख्याल से तो उनको ऐसा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक आस्था से लोग जुड़े होते हैं। रोड तो बाद में निकलते हैं ना, मस्जिदें बनी हैं तो उस पर अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया तो गलत है। और अवैध कब्जे पर अगर कोई बना ले, जैसे रिसेंटली 10 दिन में या 1 महीने में, 4 महीने में दिखाने के लिए यहाँ मंदिर है और मैं अपना कब्जा करूँ तो गलत है। हमारे यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, चाहे वो मंदिर का हो चाहे मस्जिद का हो, अगर वो नाजायज ज़मीन पे बना है तो सरकार का ये फैसला बिल्कुल ठीक है, कोर्ट ने कहा है तो बिल्कुल ठीक है। हम इसकी सराहना करते हैं कि जो भी विवादित जगह हो, इस ज़मीन से या मंदिर या मस्जिद से या रोड पे हो, अगर किसी के जो जहाँ पे रोड़ा हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रास्ते में नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारी नमाज कबूल होगी, हटाई जाए मस्जिद।
ऐसे भी मंदिर भी हो, अगर वो रास्ते में हो, अगर रोड पे चलने वालों को बाधाएं जो उससे पहुंचती हैं तो भी हटाए जाएं, हम इसका स्वागत जो है करते हैं और पूरे लोगों से कहते अपील करते हैं अमन की, अमन और शांति के साथ में उसको वो जगह को जो करें चेंज, हटाएं उसको। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए नमस्कार।